Hello students, welcome to my channel. In this video series, I am discussing NDA PYQ solutions. So, today's the topic is calculus, and in this video, I am going to discuss 2014 session 1 all the calculus questions. So, we'll see the next first question. Yeah, this is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question. फर्स्ट क्वेश्चन की लिमिट निकालनी है हमें तो लिमिट x टेंस टू जीरो वन प्लस एक्स पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स तो हम शॉर्टकट वेम में सॉल्व करने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे हम देखेंगे कि एल हॉस्पिटल में आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है बेसिकली जीरो बाई जीरो फॉर्म में है या इन्फिनीटी बाई इन्फिनेटी फॉर्म में है तो एक्स इक्वल टू जीरो पुट करके देखो क्या आएगा वन माइनस वन यूमर जीरो है डिनोमिनेटर में क्या है ये भी जीरो है तो जीरो बाई जीरो है तो हम एलहा अप्लाई कर सकते हैं तो फॉर्मूला क्या होती है एलाफिटल की एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स ये होती है एलहापिटल की फॉर्मूला तो हम डेरिवेटिव करने वाले हैं तो इसकी डेरिवेटिव एन इन वन प्लस एक्स होल पावर एन माइनस वन वन की डेरीवेटिव टू जीरो और एक्स की डेरिवेटिव वन तो देखो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर uh, में कोई भी नॉन uh, uh, मतलब जो टर्म है ये नॉन जीरो टर्म है तो हम डायरेक्टली लिमिट सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एन प्लस वन प्लस जीरो होल पावर एन माइनस वन तो इसकी वैल्यू एन इन टू वन सो एन तो सी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ पे भी लिमिट निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता है कि वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टू साइंस स्क्वायर एक्स बाय टू और हमें स्टैंडर्ड लिमिट ये भी पता है कि लिमिट एक्सटेंड टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वन तो हम ये दोनों का अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू ओके तो फ्रॉम हियर इट विल बी वन बाय रूट टू इन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स अपन साइन एक्स बाई टू ओके तो हम क्या करेंगे देखो कि साइन एक्स बाई एक्स इसी फॉर्म में लानी है ना तो यहाँ से हमारी क्वेश्चन में क्या है बेसिकली साइन वन अपन वन अपन साइन एक्स बाई टू बाई एक्स है वन अपन साइन एक्स बाई टू बाई एक्स है लेकिन हम यहाँ पर एक्स बाई टू चाहिए और टू से मल्टीप्लाई एन डिवाइड कर देते हैं ठीक है तो ऊपर में देखो x बाई टू है तो हम और भी ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया है देखो वन बाई बेसिकली ये जो टर्म आ रहा है ना वन अपन ए बाई बी इसका मतलब बी बाई ए आ जाएगा तो एक्स बाई टू ऊपर आ जाएगा हाँ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो टू से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं देखो बेसिकली क्या है ना वन अपन साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स बाई टू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा ना तो एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू आ गया है ठीक है तो हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो देखो रूट टू लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा रूट टू इंटू वन तो आंसर इज रूट टू तो देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर We'll यहाँ पे क्या करनी है हमें डेरिवेटिव तो मान लो वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस तो हमें अगेन फॉर्मूला पता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिड बाई ट एक्स बाय टू तो टू कैंसिल हो जाएगा फिर कॉट स्क्वायर so, तो दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स बाई टू अब देखो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होती है क्या आ जाएगा पूरा आंसर माइनस वन बाई टू इंटू को सिकेन स्क्वायर एक्स बाई टू तो आंसर ऑप्शन देखो कौन सा ट्रू है ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सो यहां पे देखो सब्सटीट्यूट करनी है हमें बेसिकली जीरो टू वन ई पावर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो हमें क्या पता है कि टेन इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव क्या होती है वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो टेन इनवर्स एक्स इक्व टू टी मान लो डेरिवेटिव करो वन बाई वन प्लस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी तो अब लिमिट को भी कन्वर्ट करनी है तो x एंड एक्स के हिसाब से लिमिट क्या है जीरो टू वन तो हमें t के हिसाब से लिमिट निकालनी है तो जीरो सब्सटीट्यूट करो तो tan इनवर्स ऑफ जीरो मतलब tan जीरो जीरो होती है तो जीरो tan इनवर्स ऑफ वन इसका मतलब पाई बाई फोर तो जीरो टू पाई बाई फोर लिमिट आ गया है ठीक है t के लिए लिमिट ज़ीरो टू पाई बाई फोर तो देखो इंटीग्रेशन का फॉर्म कैसे है? क्या हो गया है अभी जीरो टू पाई बाई फोर ई पावर टी डी टी ओके ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी ही होती है लिमिट सब्सिट्यूट करो ई पावर पाई बाई फोर माइनस ई पावर जीरो तो ई पावर पाई बाई फोर माइनस वन ई पावर जीरो की वैल्यू वन तो देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था तीन ही स्टेप में आंसर आ गया है अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि डीवाई डीएक्स इज इक्वल टू मॉड एक्सन है तो हमें टू जीरो माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो तो जब dy डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी ओके तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी ओके नेक्स्ट देखो dy dx इज इक्वल टू माइनस एक्स तो यहां से क्या आएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्सक्वायर बाई टू प्लस सी तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो so, हम दोनों को कॉम्बाइन करेंगे तो so, हम क्या लिख सकते हैं क्या ये लिख सकते हैं क्या एक्स बाई टू इंटू मॉड एक्स प्लस सी क्योंकि मॉड एक्स को हम अगर ग्रेटर देन जीरो के लिए लिखेंगे तो स्क्वायर बाई टू प्लस सी आएगा लेस देन के लिए माइनस स्क्वायर बाई टू प्लस सी आएगा तो देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके हम दोनों को सिर्फ कॉम्बाइन किया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें ये पता है ना डी वाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू सी तो यहाँ हम यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर पी एक्स डी एक्स तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ जो आएगा हम वहाँ से वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है यहाँ पे पी ऑफ एक्स क्या है टू e पावर टू डी एक्स तो e पावर ऑफ टू एक्स तो e पावर ऑफ टू एक्स से हम मल्टीप्लाई करते हैं डी वाई डी एक्स प्लस टू वाई ई पावर टू एक्स इक्वल टू ई पावर टू एक्स तो यहाँ पे क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ y इंटू पावर टू एक्स इज इक्वल टू ई पावर टू एक्स अब इंटीग्रेट करेंगे y इंटू पावर टू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी तो क्या यहां सेक्वल टू वन बाई टू प्लस सी इंटू ई पावर माइनस टू एक्स अब क्या गिवन क्या है कि y ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो हो रही है तब y की वैल्यू भी जीरो तो क्या आएगा यहाँ से जीरो इज इक्वल टू हाफ प्लस सी तो सी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा वन बाई टू इंटू वन माइनस ई पावर ऑफ़ माइनस टू एक्स तो देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन माइनस ई पावर माइनस टू एक्स बाई टू ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व एट जीरो कॉमा वन तो स्लोप मतलब हमें यह पता है ना कि dy डी एक्स निकालनी है तो dy डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू ई पावर टू एक्स ओके अब गिवन क्या है पॉइंट जीरो कॉमा वन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन तो डी वाई डी एक्स एट जीरो कॉमा वन इज इक्वल टू टू ई पावर जीरो तो आंसर इज टू तो स्लोप इज इक्वल टू टू कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन के कंटिन्यूशन है देखो तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वैट डू दर्व जीरो पिछले साइड में देखो स्लोप क्या आया है आया है तो ये कर्व एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है मतलब ये कर्व जब एक्स एक्सिस पे मीट हो रही है मतलब क्या होगा वाई इज इक्वल टू जीरोक्वल टू जीरो पॉसिबल कब है ये जीरो हो सकता है क्या तो वट इज द टेंजेंट टू द कर्व एट ए जीरो कॉमा वन मीट द एक्स एक्सिस मतलब टेंजेंट जो है ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है मतलब वाई इज इक्वल टू जब डी वाई डी एक्स की वैल्यू स्लोप की वैल्यू क्या है हमारा डी वाई डी एक्स की वैल्यू क्या है टू है ना एट जीरो वन पे तो ये एक्स एक्सिस पे मीट हो रही है इसका मतलब क्या हो जाएगा टू जीरो आ जाएगा पॉइंट टू कॉमा जीरो पर मीट होने वाला है क्लियर क्योंकि स्लोप की वैल्यू तो वही है ना टू है तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा ओके सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली तो आई वन माइनस आई टू ये निकालनी है ना तो पहले आई को सिंप्लीफाई करते हैं पाई बाई टू तो पाई बाई डीएक्स अपॉन वन प्लस रूट टेन एक्स तो रूट टेन एक्स मतलब हम कैसे लिख सकते हैं पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री साइन एक्स बाई कॉस एक्स तो ऊपर क्या रूट कॉस एक्स डीएक्स बामूला पता है एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में तो क्या हो जाएगा पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ

बाई सिक्स राइट तो थ्री पाई बाई क्या आ जाएगा रूट साइन एक्स डी एक्स तो ये आई वन हो गया है तो आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री रूट साइन एक्स यही तो हमारा आई टू भी आ गया है ना हम इतना नहीं लिखेंगे तो देखो तुम अगर यहाँ पे जो है हमारे जो अभी वैल्यू आया है ये आई आई बाई तो, आई टू का वैल्यू आ गया है तो आई वन माइनस आई टू फाइंड करनी है हमें तो इसका मतलब क्या हो गया आई वन माइनस आई टू इक्वल टू जीरो आ गया है आंसर दिस इज इक्वल टू तो आई टू राइट सो आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ गया है इंटीग्रेशन करने का भी कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो आई वन की वैल्यू निकालनी है तो आई वन आई टू दोनों सेम है ना तो पहला आई वन क्या आया था रूट कॉस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स ये था राइट ये नंबर वन देते हैं फाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई थ्री फिर इसको सिंप्लीफाई करके जो आया था आई वन इज इक्वल टू रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई थ्री तो हम ऐड करते हैं एडिंग वन एंड टू हम एक एंड दो इक्वेश्स को एड करते हैं तो टू आई वन इज इक्वल टू फाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई थ्री रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डीएक्स ओके ये टर्म कैंसिल तो so, अभी क्या आएगा इंटीग्रेशन पाइव बाई सिक्स टू फाइव बाई थ्री डीएक्स तो क्या हो जाएगा एक्स पाइव बाई सी थ्री माइनस क्या आ रहा है देखो टू पाई माइनस टू क्या आ गया है पाइव बाई सिक्स तो आई वन इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई ट्वेल्व तो आंसर देखो पाई बाई ट्वेल्व ऑप्शन कौन सा ट्रू है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर तो देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म पे है पाई बाई टू लिखो तो वन माइनस वन जीरो आ जाएगा न्यूमीटर में और नीचे भी पाई माइनस पाई तो जीरो तो हम एल हॉपिटल अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस कॉसिक्स टू इंटू पाई माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एल हॉपिटल हम मल्टीपल टाइम्स भी अप्लाई कर सकते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया है वन बाई फोर लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स देखो कॉस पाई बाई टू भी जीरो अगेन जीरो बाय जीरो फॉर्म तो क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस टू एपिटल ओके दस डेरिवेटिव तो माइनस माइनस कैंसल वन बाई एट लिमिट एक्सटेंस टू पाई बाई टू साइन एक्स तो sin x की में क्या होती है वैल्यू साइन पाई बाई टू तो वन होती है तो वन बाई इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन करेक्ट ओके ये भी बहुत सिंपल था इसको हम दूसरा वे में भी कर सकते थे जैसे एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू दूसरा वेरिएबल लेके फिर ये और भी लेंदी हो जाता है ठीक है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेम क्वेश्चन ही है ये क्या बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो अगर कॉन्टिन्यूअस हो रही है तो कंडीशंस क्या होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू तो एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई एट एंड क्वेश्चन में गिवन क्या है एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू लामडा सो देफोर लामडा इज इक्वल टू वन बाई एट आंसर ऑप्शन ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन क्वेश्चन में क्या है कि एफ ऑफ नाइन इक्वल टू नाइन एफ नाइन इक्वल टू फोर तो देखो लिमिट एक्सटेंस टू नाइन स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई रूट एक्स माइनस थ्री तो एफ ऑफ नाइन इक्वल टू नाइन गिवन है तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ नाइन मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नाइन दिस इज इक्वल टू थ्री तो जीरो बाई जीरो करेंगे हम एल एलॉपिटल अप्लाई करेंगे तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू नाइन वन बाई टू रूट एफ ऑफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई वन बाई टू रूट एक्स एल हॉपिटल तो वन बाई टू कैंसिल हो गया है देखो तो लिमिट एक्स टेंस टू नाइन रूट एक्स बाई रूट एफ ऑफ एक्स इन टू एफ डैश एक्स तब लिमिट सब्सिट्यूट कर दो हमें सबकी वैल्यू पता है एफ ऑफ नाइन एफ डैश ऑफ नाइन दोनों की वैल्यू तो रूट नाइन अपॉन रूट एफ ऑफ नाइन इन टू एफ डैश नाइन ओके तो थ्री अपॉन रूट नाइन इन टू फोर तो थ्री बाई थ्री इंटू फोर कैंसिल तो आंसर इज फोर ऑप्शन का आंसर ट्रू है देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके okay, ये भी देखो तीन तीन ही स्टेप में आंसर आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के पहले हमें क्या पता है कि इवन फंक्शंस अगर फंक्शंस ये जो गिवन है एक साइन एक्स इवन है या और है ये चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस एक्स इन माइनस साइन एक्स एक्स साइन एक्स तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैफोर एफ इज इवन फंक्शन तो जब इवन फंक्शन होती है ऐसे टाइप का लिमिट होती है तो माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू टू इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स ये होती है फॉर इवन फंक्शन तो देखो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू एक्स साइन एक्स ओके okay. तो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे हम ये प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स ये हमें पता है और नहीं तो यू वी अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ पे यूवी थोड़ा लेंदी हो जाएगा यूवी भी, भी अप्लाई कर सकते हैं तो चलो देखते हैं पहले इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स को फाइंड कर लेते हैं तो आई एल ए टी अप्लाई करेंगे तो इन इन प्रथम सॉरी फर्स्ट क्या आएगा एल्जेब्रिक टर्म एक्स एंड ट्रिग्रोमेट्रिक टर्म देन तो एक्स यू इंटीग्रेशन भी माइनस डी यू डी एक्स मतलब वन इंटू इंटीग्रेशन डीएक्स ओके तो माइनस एक्स कॉसेक्स माइनस माइनस कॉसेक्स डीएक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओके तो हियर इट विल बी माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स सबसे डॉट कर दो लिमिट टू इन कॉस पाइव बाई टू जीरो होती है तो ये जीरो हो जाएगा साइन पाइव बाई टू माइनस ये जीरो फिर ये भी जीरो so, तो साइन पाइव बाई टू वैल्यू इज वन तो आंसर इज टू देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री ये क्या बोल रहे हैं देखो नाइनटी थ्री में बेसिकली व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हमें ये पता है ना वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स बाई वाई तो माइनस कॉमन ले लो ना यहां से वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस वन नहीं वन वन ओके तो क्या है देखो माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वन तो डी ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस वन तो इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ डी डी एक्स ऑफ और डी ऑफ डी ऑफ भी लिख सकते हैं हम डी डी एक्स लिखने का कोई जरूरत नहीं है तो देखो क्या हो रही आंसर एक्स डी ऑफ एक्स बाई वाई माइनस डी एक्स ओके तो एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी तो एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस सी वाई तो यहां से क्या आ रहा है एक्स प्लस एक्स वाई माइनस सी वाई इज इक्वल टू जीरो देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 94 फोर तो क्वेश्चन नंबर नाइन्टी फोर क्या बोल रहा है कि द फंक्शन स्टेटमेंट दिया है दोनों द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू ज़ीरो तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो क्यूब रूट ऑफ एक्स चेक करो क्या रहा है जीरो आ रहा है ना फिर एफ ऑफ जीरोक्वल टू ये भी जीरो तो टू ये कॉन्टीन्यूस तो है इट्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो सेटमेंट वन इज नॉट ट्रू नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू पॉइंट नाइन नाइन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर टू पॉइंट नाइन नाइन तो जीरो वन टू थ्री जीरो से वन के बीच में वन जीरो से वन के बीच में क्या होती है जीरो होती है वैल्यू वन से टू के बीच में इसकी वैल्यू वन होती है टू से थ्री के बीच में टू होती है ठीक है से थ्री के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है टू ऐसे टू तो हमें यह पता है ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट ऑल इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर व टू टू पॉइंट नाइन नाइन ये एक्स इक्ल टू टू पॉइंट नाइन नाइन नॉट इन टीजअ कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल इट्स टू टू पॉइंट तो आंसर ऑप्शन टू ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइंटी फाइव तो इन दिस क्वेश्चन इट्स द अगेन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट हाँ तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो माइनस एक्स एक्स इज लेस और इक्वल टू जीरो तो इफ्रस एक्स फाइंड करो डायरेक्टली देखो वन आएगा एंड माइनस वन आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ग्राफ से देखेंगे ग्राफ ऐसे होती है जहाँ पे सर्फ कॉर्नर होती है उस पॉइंट पे सर्फ कॉर्नर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे सर्फ कॉर्नर होती है उस पॉइंट पे कंटिन्यूस डिफेंसेबल नहीं होती है वल टू जीरो इट्स नॉट डिफरेंट एक्स इज इक्वल टू जीरो इज नॉट डिफरेंशियबल तो यहां पर बोल रहे की एट एक्स इज इक्वल टू वन नहीं वन पर तो डिफरशियबल है ही है ये फंक्शन तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पॉल एक्स इज डिफरशियबल एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव राइट हैंड डेरीवेटिव क्या और है लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच ई पावर एच माइनस वन बाई एच तो क्या आएगा देखो ए कैपिटल अप्लाई करते हैं ई पावर एच बाई वन तो टू पावर जीरो सो वन एंड एफ ऑफ जीरो ये भी वन तो डिफरेंशियबल एफ इज डिफरेंशियबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो ऑप्शन स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नाउ विल मूव टू द्वेश्चन नंबर नाइनटी सिक्स तो यहां पर क्या बोल रहे हैं ना कि जेड इज इक्वल टू एफ कॉम्पोस्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल तो जेड क्या होगा एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका मतलब एफ ऑफ एक्स स्क्न एक्स स्क्वा डी जेड डी एक्स इज इक्वल टू फोर इन टू एक्स क्यूब देखो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर

लेस देन जीरो चेक करनी है ग्रेटर देन जीरो के लिए मिनिमम लेस देन जीरो के लिए मैक्सिम तो एफ डैश एक्स फाइंड करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन एफ डैश एक्स फाइंड करते नीचे आएगा यूवाई भी यूवाई वी से हम डेडिवेटिव करेंगे एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन ओके तो इसको सिंप्लीफाई करते देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा तो देखो टू एक्स कॉमन लेते माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन कॉमन ले थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ओके तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर तो यहां से क्या है ये टर्म कैंसिल तो टू एक्स मतलब टू एक्स तो बाहर से भी लिए थे हमने तो फोर एक्स स्क्वायर आ गया है ना फोर एक्स स्क्वायर और यहाँ से देखो एक्स एक्स कैंसिल माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर सो यहाँ से क्या आ रहा है देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल स्क्वायर तो अब एफ डैस एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से क्या आएगा टू एक्सक्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो तो एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस वन अब एक डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर फोर एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू फोर एक्स माइनस टू एक्सक्वायर माइनस टू इंटू टू इंटू एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन ओके तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा क्या फोर इंटू माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन की होल क्यूब यहाँ से देखो एक्सक्वायर प्लस एक्स प्लस वन कॉमन ले सकते हैं तो एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया है तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एफ डबल डैश माइनस वन क्या है फोर इंटू वन माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाई ये क्या है वन माइनस वन प्लस वन वन माइनस वन प्लस वन की होल क्यूब तो टू माइनस थ्री मतलब माइनस फोर नीचे क्या है ये वन वन कैंसिल तो माइनस फोर लेस देन जीरो तो मैक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस वन तो अभी देखो ए ऑफ माइनस वन क्या होता है वन प्लस वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन प्लस वन तो थ्री मैक्सिमम वैल्यू इज थ्री आंसर क्या आ गया है ऑप्शन डी तो अब मिनिमम वैल्यू चेक करेंगे ना तो मिनिमम वैल्यू सिर्फ एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स इक्वल टू वन पे मिनिमम वैल्यू अटेंड होने वाला है एट एक्स इज इक्वल टू वन एफ डबल डॉन इज ग्रेटर देन जीरो मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन सो देरफोर एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन माइनस वन प्लस वन बाई वन प्लस वन वन बाई थ्री ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है तो आई होप ये भी क्लियर हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ये क्या बोल रहे हैं देखो ये भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स भी फंक्शन डिफाइंड इन वन टू इन्फिनिटी वन टू टू के लिए फंक्शन टू टू थ्री सॉरी ग्रेटर देन टू के लिए दूसरा फंक्शन तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन द इंटरवल वन कम इन्फिनिटी तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन टू uh, पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, so, limit, limit, x minus, x है तो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे टू माइनस एक्स है फंक्शन तो यहां पे क्या हो जाएगा टू माइनस टू तो जीरो ओके अब देखो एफ ऑफ टू भी जीरो है क्योंकि टू के वैल्यू इस पॉइंट पे अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं लिमिट एक्सटेंस टू टू प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहां से थ्री इंटू टू माइनस टू स्क्वायर सिक्स माइनस फोर तो ये टू आर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू टू तो स्टेटमेंट वन इज नॉट ट्रू तो डिफरेंशियबल है ये बोल रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव हाँ तो वन पॉइंट फाइव पे फंक्शन तो टू माइनस एक्स ही है एट एक्स इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल ही तो हो ही जाएगा यहाँ से दोनों ही इक्वल है तो दिस इज डिफरेंशियबल तो देखो ऑप्शन

हम न, to, uh, 3, तो हम डिफ्रशियट करेंगे ना बोथ साइड पे एट एक्स इज इक्वल टू थ्री एफ ऑफ एक्स की फंक्शन क्या है थ्री एक्स माइनस एक्स तो हम डिफरेंशियट करते हैं एफ डैश एक्स ओके तो हम देखते हैं कि डिफर्शियबल डिफेंशियबल सॉरी डिफेंशियबल कोफिशंस क्या है थ्री माइनस टू एक्स ठीक है एट एक्स इज इक्वल टू थ्री बोल रहे तो एफ डैश ऑफ थ्री तो थ्री माइनस सिक्स तो माइनस थ्री तो बेसिकली इस पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है जिस पॉइंट पे हमें डिफाइनशियेबल कोपिशन चेक करनी है तो आंसर इज माइनस थ्री विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो बेसिकली क्वेश्चन क्या है सेम क्वेश्चन ही है हमें देखनी है कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट टू तो एफ डैश ऑफ टू प्लस जीरो मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू टू बाई एच क्यूंकि एफ ऑफ टू इज जीरो से क्या है देखो सिक्स प्लस टू एच थ्री एच माइनस फोर माइनस टू एच माइनस एच स्क्वायर बाई एच तो यहाँ से क्या आएगा टू प्लस एच माइनस एच स्क्वायर बाई एच तो जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है ये तो लिमिट अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे डायरेक्टली डज नॉट एग्जिस्ट नीचे जीरो आ जाएगा ना टू बाई जीरो इन्फाइनाइट आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट तो टू माइनस जीरो तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ टू माइनस एच माइनस एफ ऑफ टू बाई माइनस एच तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो थ्री इंटू टू माइनस एच माइनस टू माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस एच तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सिक्स माइनस टू एच माइनस फोर प्लस टू एच माइनस एट स्क्वायर बाई माइनस एच तो टू एच माइनस टू एच कैंसल्ड लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू माइनस एट स्क्वायर बाई माइनस एच सेम थिंग यहाँ पे भी डज नॉट एग्जिस्ट तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट नहीं हो रहे इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिसन एक्स इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉन ऑफ टेन एक्स तो देखो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉन ऑफ टेन एक्स डी एक्स वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉन ऑफ टेन पाई बाई टू माइनस एक्स टू लॉन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स तो कॉट मतलब क्या होती है वन बाई टेन वन अपॉन टेन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस जीरो टू पाई बाई टू लॉन ऑफ टेन एक्स डीएक्स बिकॉज लॉन वन माइनस लॉन टेन एक्स तो लॉन वन जीरो तो माइनस लॉन टैन एक्स ओके तो क्या आ रहा है माइनस आई तो यहां से क्या हो जाएगा टू आई इज इक्वल टू जीरो तो आई इज इक्वल टू जीरो तो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू लॉन टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो तो आंसर ऑप्शन सी सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन दीज आर रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Uh, so if anyone is having any doubt please write in the comment sections. Uh, and if you need some other solutions please do uh, message over comment section now, this is my teachmint profile if anyone interested for the paid tuition please do contact me over teachmint uh, this is my live class schedule please do join and please share with others uh, thank you for watching my video uh, those who are new to this channel don't forget to subscribe my channel